नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केरकर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का केरकर हॉस्पिटल है अकोला में, महाराष्ट्र में, और एज अ साइकैट्रिस्ट हम काम करते हैं। जो वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ, उसका जो जो इम्पोर्टेंस है, क्रक्स है, और जो टारगेट है, वो है गोल्स, हाउ टू अचीव गोल्स। गोल सेट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर हमें कोई भी चीज़ में, कोई भी टारगेट में सक्सेसफुल होना हो, तो गोल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, अगर अच्छे रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, कोई भी जॉब में सक्सेस लाना है, कोई भी चीज़ में अगर हमको सक्सेसफुल होना है, तो गोल्स क्लियर होना चाहिए। और गोल्स हुए बिना हम सक्सेसफुल हो सकते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी टिकट निकालने जाते हैं स्टेशन पे या बस स्टेशन पे, तो हमेशा सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और उसी को हम बोलते हैं गोल। बिना गोल की पढ़ाई करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, यूजलेस है। गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट मतलब, एस मतलब स्पेसिफिक। कोई भी गोल जितना स्पेसिफिक हो, मतलब अगर मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर यानी कौन सा डॉक्टर, एकदम स्पेसिफिक। मुझे साइकियाट्रिस्ट बनना है, फिजिशियन बनना है, सर्जन बनना है, इतना स्पेसिफिक। या इंजीनियर बनना है, तो कौन सा इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ईएनटीसी इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, वो क्लियर चाहिए। इसलिए स्पेसिफिक गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा गोल होता है मेजरेबल। दूसरा जो स्मार्ट में जो एम है, वो है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब वो जो गोल है, हमको उसको मेजर करते आना चाहिए, उसको गिनते आना चाहिए, उसको मापते आना चाहिए। अगर बिना मापे हुए या बिना मेजर करते हुए अगर हम वो गोल बनाते हैं, तो वो गोल कोई भी काम का नहीं है। स्मार्ट में जो ए है, वो है अचीवेबल। गोल अचीवेबल चाहिए। अगर मैं बोलूँगा कि मैं 2 साल बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊँगा, तो ये फिजूल की बात है, ये अचीवेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैं 10 साल बाद या 15 साल बाद ये देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो वो अचीवेबल है। इसलिए हमेशा हमने ये बोलना चाहिए कि हमारे जो गोल्स हैं, वो अचीवेबल चाहिए। तो एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल। जो आर है, वो है रियलिस्टिक। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। गोल्स रियल चाहिए, फैक्ट चाहिए। जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो हमारे गोल्स में आनी चाहिए। फिजूल की बातें या फैंटसी बातें, इसमें ये गोल में आते नहीं। और जो टी है, वो है टाइम बाउंड। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। जो भी गोल्स हम बनाते हैं, उसको हमने एक टाइम फ्रेम देना चाहिए, टाइम बाउंड करना चाहिए। इसका मतलब है, जब हम गोल्स लिखते हैं, तब हमने ये देखना चाहिए कि हम वो गोल कब तक खत्म करने वाले हैं। आपने ये देखा होगा कि जो भी बड़े लोग हुए हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने गोल्स सेट किए थे, गोल्स तैयार किए थे। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि हाँ, मैं 1942 में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। भले वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उनके आइडिया क्लियर थी, गोल क्लियर था। जब 2014 में बीजेपी का कैंपेन हुआ, तब मोदी जी ने बोला था कि 2014 में बीजेपी जीतकर आएगी। उनका गोल क्लियर था, स्मार्ट था, इसलिए वो चीज़ वो अचीव कर सके। इसलिए हमने आज से ये ध्यान में रखना है कि हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं रोज़, हमेशा, सुबह शाम, हमने पहले हमारा गोल सेट करना चाहिए कि हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है। 12th में मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कब एडमिशन लेना है, कौन सी ईयर में एडमिशन लेना है, ये क्लियर हमारे जो गोल्स है, वो क्लियर चाहिए। अगर हम हमारे गोल्स क्लियर रखेंगे, तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम प्लेन का टिकट निकालने गए, तो प्लेन का टिकट अगर हम अच्छे से देखेंगे, तो उसमें क्लियर गोल्स लिखे रहते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वो जो प्लेन का टिकट है, उसकी कीमत क्या होगी, प्लेन कहाँ से मिलेगा, कहाँ उतरना पड़ेगा, कितने रुपए का टिकट होगा, ऐसा क्लियर पूरा स्पेसिफिकली वो प्लेन के टिकट पे लिखा रहता है। इतनी हमारी क्लैरिटी चाहिए गोल्स सेट करने में। तो ये जानकारी थी गोल्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे की वीडियोज़ लेके आऊँगा। धन्यवाद।